पधारे हुए हमारे प्रेरणा स्रोत राजनीति के विषम पितामह पूर्व सांसद आदरणीय श्री गंगाचरण राजपूत जी बैठ कल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उनके साथ में उपस्थित हमारे प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी बातचीत मत करो प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्री संजय द्विवेदी जी या उपस्थित प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अजय पाल सिंह राजपूत जी श्री कुमार राजपूत जी मनोज पटेल जी राजनी सभी लोग एवं समस्त सम्मान्य पंचायत सदस्य आज आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए आप लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोग मिलकर के नूतन वर्ष 2023 का जो आगाज हुआ है उसका स्वागत कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे प्रधान साथी और क्षेत्र पंचायत सदस्य सब लोग आपसी सामंजस्य बनाकर के एक साथ एकत्रित होते हैं जहां पर पूरे ब्लॉक की तो राजनीतिक शक्तियां एकत्रित हो जाती है तो निश्चित है कि वहां पर विकास अपने चरम सीमा तक चला जाता है। आप सब लोग यहां एकत्रित हुए हैं आप सब लोग यहां आए मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सबको मिलकर नए सिरे से नए वर्ष में पूरे क्षेत्र का विकास करना है और एक दूसरे का सहयोग सदैव देते रहना है। कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा क्षेत्र पनवाड़ी ब्लॉक का ना रहे जो विकास से अछूता हो। कई बार हमारा आपका आमना सामना हुआ है सदैव मैंने अपनी बात दोहराई है और आप लोगों से मैंने बार बार एक ही बात कही है कि क्षेत्र पंचायत के माध्यम से जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है उनका भी और जो ग्राम प्रधान है उनका पूरे 64 ग्राम पंचायत है और 79 क्षेत्र पंचायत क्षेत्र ऐसा कोई क्षेत्र न रह जाए जहां विकास न हो। पूरे 5 वर्ष में पूरे 64 ग्राम पंचायतों में विकास कराया जाएगा इसका सदैव आश्वासन दिया है और हम सब लोग 9 वर्ष के इस अवसर पर फिर से इसका प्रण लेते हैं कि क्षेत्र का संपूर्ण विकास कराएंगे। जब नया वर्ष आता है तो नई चुनौतियां भी होती हैं और सही सही मायने में अगर देखा जाए तो नई चुनौतियों के साथ साथ हमारे सामने उन चुनौतियों को पार पाने के नए तरीके भी होते हैं। अभी आप सब जान रहे हैं कि कोरोना की लहर द्वारा पूरे विश्व में और देश में एक चुनौती के रूप में आग भरी हुई है। हम सब लोग मिलकर के आपसी स्नेह और प्रेम बढ़ाएंगे उसका भी सामना करेंगे लेकिन अपने नित्य जो हमारे विकास के कार्य हमको करते रहेंगे आदरणीय सांसद जी जो हमारे यहाँ आए हुए हैं इनका सानिध्य और आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहता है उनके मार्गदर्शन में उनका सदैव सहयोग हमें मिला है आगे भी मिलता रहेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों की तरफ से समस्त प्रधान साथियों की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं और इस कड़ी में उन्होंने जब सुझाव दिया कि हम सब मिलकर के आज नव वर्ष के अवसर पर एक दूसरे के साथ नौ